अच्छा जी, आज फिर हम बात करेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कूलिंग पैड सिस्टम के बारे में थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो देखना चाहें वो भी देख लें। और आज हम एक और आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कूलिंग के लिए। ये भी कूलिंग सिस्टम है, ये एक और तरीका है कूलिंग देने का। मैंने इसमें भी बताया था कि कूलिंग के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, हर कोई अपना अपना तरीका अडॉप्ट करता है। अच्छा जी, ये भी एक तरीका है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये आपको भी शेड शो हो रहा है बैर वाली साइड से। तो सबसे पहली बात तो ये है इसकी कि इसमें हमने शेड बिल्कुल एयर टाइट किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं बाहर भी शेडों में, शेडों की तरफ भी हमने लगाए हुए हैं थर्मोपोर की शीट्स लगाई हुई है, पूरे शेड को बंद करने के लिए, एयर टाइट करने के लिए थर्मोपोर की शीट्स लगाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होंगी थर्मोपोर की शीट्स, ये इसके साइडों पर भी लगी हुई हैं, इसके ऊपर भी लगी हुई हैं, भी आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और इसमें हमने कूलर भी लगाए हुए हैं। तो करना ये है कि आपने सारा शेड एयर टाइट कर लेना है थर्मोपोर लगा के, और दो कूलर रखने हैं उनकी जगह बना के, जिस तरह हम आपको नज़र आ रहे थे दो कूलर, इस तरह आपने दो कूलर रख देने हैं एक तरफ पे। और अभी आपको ये अंदर से शो हो रहा है, ये देखें ऊपर भी इसकी हुई हुई है, इसकी सीलिंग थर्मोपोर शीट की साइडों पर तो हुई हुई है। और ये हमने थर्मोपोर शीट काट के जहाँ पर कूलर रखने थे वहाँ पर कूलर रखे हुए हैं, और बाकी सारा आपका शेड जो है वो बंद है, एयर टाइट है। अच्छा जी, अब ये तो आपने देख लिया साइडों से लगी हुई हैं थर्मोपोर की शीट्स, कूलर भी आपने देख लिए, ठीक है। इसके बाद अब आप ये देखें ऊपर ऊपर भी हमने थर्मोपोर की शीट्स लगाई हुई हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, ये जो कूलिंग सिस्टम आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी सस्ता है दूसरे सिस्टम के नस्बत। अच्छा, कूलर की अपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। कोशिश करें आप दो एग्जॉस्ट फैन लगाएं, क्योंकि नमी का वरना मसला थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। आप दो रूम कूलर, डीसी रूम कूलर भी चल जाएंगे जो कि बहुत कम बिजली खाते हैं, और उसके अपोजिट साइड पे दो एग्जॉस्ट फैन लगाएं। अभी आप टेम्परेचर दे सकते हैं, माशाल्लाह 27.5 टेम्परेचर है और 49 जो है इसकी नमी है। सावन में या बारिश के मौसम में नमी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दो एग्जॉस्ट फैन लगाएं। ये हमारे दोस्त हैं जवेद साहब, उनकी उनका सेटअप है, ये उनके उधर ये सेटअप लगा हुआ है। पिछले सीज़न में मैंने इस तरह का सेटअप बनाया था, अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन ये एक दफ़ा जवेद साहब का ये सेटअप है, हमारे दोस्त हैं उन्होंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका एक तो फ़ायदा ये है कि ये इतना एक्सपेंसिव सिस्टम नहीं है। दो डीसी कूलर चाहिए आपको, थर्मोपोर शीट्स चाहिए, थर्मोपोर शीट 3x3 की जो है, 1 इंच मोटी, वो तकरीबन 100 रुपये की है। और जो हमने ऊपर सीलिंग पे लगाई है वो 3 इंच मोटी शीट है, वो तकरीबन 250-250 रुपये की एक शीट है। इसके अलावा आपको दो एग्जॉस्ट फैन लगाने हैं। जो दो डीसी कूलर आपके चल रहे हैं ये बहुत माइनर सी बिजली खाएंगे, ये तकरीबन 40 वाट का एक कूलर होता है, पानी की मोटर 8 वाट की होती है, 25 से 30 वाट की उसकी फ़ैन की मोटर होती है, तकरीबन 40 वाट मैक्सिमम आपका एक कूलर कंज्यूम करता है। यानी कि बिजली भी कम है, रनिंग एक्सपेंसेस भी इसके कम है। ये है कि सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट में आपको दो रूम कूलर, दो एग्जॉस्ट फैन और दो रूम कूलर्स को बिजली पे चलाने के लिए सप्लाईज आपको चाहिए, क्योंकि प्लेट वाला काम थोड़ा सा महंगा पड़ता है, 6,500 की प्लेट है और वो सिर्फ दिन के टाइम चलेगा, रात को नहीं चलेगा। 1200-1300 रुपये की सप्लाई मिलेगी, आपका डीसी कूलर बिजली पे भी चलेगा और इसका यह फ़ायदा होगा कि बिजली भी ज़्यादा नहीं खाएगा। आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आइंदा भी इस तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।